जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है? अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करना है? अनंत विस्तार के चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें निकालना है। तो क्या करना है, एक अनंत विस्तार का चादर है, कितना विस्तार इसका? अनंत, बहुत ज्यादा, फैलाते जाओ, मतलब तुम्हारा बेड नहीं, तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा गांव भी ढक लेगा, इतना बड़ा यह चादर। कितना बड़ा है? अनंत विस्तार। गांव नहीं, तुम्हारा जिला भी ढक लेगा, तुम्हारा प्रदेश भी ढक लेगा, इतना बड़ा यह चादर है। ठीक है, तो चादर कितना बड़ा? अनंत विस्तार। तो क्या है, अनंत विस्तार के चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लिया बेटा, अनंत विस्तार के चादर के कारण तो निकाल नहीं पाएंगे, हमें इसका छोटा सा भाग ले लिए, थोड़ा सा भाग ले लिए। मान लिया इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, वैद्युत फ्लक्स की दिशा इधर होगी, phi e1। तो थीटा इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, 0। यहां पे देखो बेटा, वैद्युत फ्लक्स की दिशा इधर होगी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। इधर होगी बेटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस चालन के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, जब इसको लिख लेना आप लोग, थ्योरी टाइप का हम यहाँ पे लिख दिए। देखो, माना एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के एक चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, माना एक समान रूप से आवेशित चादर से, क्या लिखिए बेटा, आवेशित अनंत विस्तार के चादर के से r दूरी पर, इससे कितना, r दूरी पर एक बिंदु p है। क्या है यहाँ पे, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के चादर के एक बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय के लिए बंद पृष्ठ लेंगे। तो बंद पृष्ठ ले लिए बेटा, बेलनाकार बंद पृष्ठ हो गया। बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा बंद पृष्ठ से, क्या होगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा और इधर से, मतलब जो भी पृष्ठ होगी उससे क्या निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स। तो फाइव ई बराबर हो जाएगा फाइव ई वन प्लस फाइव ई टू प्लस फाइव ई थ्री। तो बाबू यहाँ पे फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा, फाइव ई वन कितना होगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए cos थीटा हो जाएगा। तो phi e बराबर e a, phi e1 कहां पे है बेटा, यहां पे है, देखो थीटा इक्वल टू कितना, 0, हो जाएगा cos 0 अंश प्लस यहां पे भी हो जाएगा e a cos 0 अंश प्लस e a, क्योंकि phi e2 भी 0 है, e a cos, phi e3 कितना बेटा, थीटा इक्वल टू 90, cos क्या हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, यहां से करोगे phi e इक्वल टू EA cos 0 का मान 1 प्लस EA cos 0 का मान 1, EA cos 90 का मान 0। तो phi E equal to EA plus EA, यही होगा, यह तो 0 हो जाएगा। तो phi E equal to यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा, phi E equal to E और A मिलके कितना हो जाएंगे, 2 EA, इसको मान ले समीकरण नंबर 1। ठीक है, या 2 ई ए बराबर लिख सकते फाइव ई ए, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से क्या लिखना बेटा, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, वी नो दैट फाइव ई इजकल टू क्यू बाई एप्साइलन 0, यही होता है। तो यहां से करोगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे 2e a इक्वल टू 5e की जगह क्या रखेंगे बेटा, q अपॉन एप्साइलन 0। हमें निकालना कितना बेटा, यह निकालना है e, तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 एप्साइलन 0 कर लेना, बच रहा a, तो कर लो q बाई a। ठीक है, q बाई a क्या होता है, सिग्मा होता है, e इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये अनंत विस्तार के चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, माना एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का एक चादर है, चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बंद पृष्ठ या जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा देखो इस पृष्ठ से इधर भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इधर भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इधर भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो क्या करेंगे, हम तीन पृष्ठ से निकल रहा देख रहे हैं, तो तीनों पृष्ठ को क्या करेंगे, उठा के जोड़ लेंगे। जैसे बेलन होता ना बेटा, बेलन होता, मान लिया मार्कर एक बेलन है, यह क्या है, एक बेलन है, बेलन टाइप का है, इधर से भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और इधर से भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, उसके बाद जो बेलनाकार इस पृष्ठ से भी तो निकलेगा, तो जो बेलनाकार पृष्ठ से निकल रहा है इसे फाई थ्री मान लिए हैं, फाई थ्री। अब टोटल को क्या करेंगे, कुल मतलब इस पृष्ठ से, अब इस बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो बेलनवा से कितना वैद्युत फ्लक्स निकली ये याद कर एक बार, तो एक खातिर कहा है बेटा, ऐसे निकले वाला और ऐसे निकले वाला और ई पूरा ये पृष्ठ से निकले वाले के वैद्युत फ्लक्स के हम जोड़ ले, और जब जोड़ तो कहा हुई, देखो फाइव ई बराबर हो जाए ई वन फाइव ई टू प्लस फाइव ई थ्री। अब देखो फाइव ई बराबर ई ए कॉस थीटा, इसका भी होगा ई ए कॉस थीटा, इसका भी ई ए कॉस थीटा, फाइव ई बराबर। अब देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई बा और यहाँ वैद्युत फ्लक्स हुआ इसे निकलत बा, तो दोनों जब समांतर बाट थीटा कितना हुई जीरो हुई, सेम कंडीशन यहाँ रो, और यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स इधर जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, मतलब थीटा नब्बे। उठा के रखेंगे बेटा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नब्बे, कॉस जीरो का मान एक, यहाँ पे भी एक, और नब्बे का मान हो जाएगा जीरो, तो बेटा ये एक में इसका गुणा होगा, यही आएगा, यही आएगा, यह जीरो हो जाएगा, दोनों को उठा के जोड़ लेंगे, टू ई हो जाएगा, आपको ई निकालना है, टू ए को बटे में लाएंगे बेटा, और फाइव ई बराबर हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, उठा के रख देंगे क्यू बाई ए क्षेत्रफल आवेश बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, उम्मीद कर